वॉलीवुड कॉकटेल कॉफी विद करण का सेकंड एपिसोड कॉफी विद करण के फैंस के लिए एक बिग लिट साबित हुआ, क्योंकि इस शो ने हमें कुछ ऐसे स्पाइसी हाइलाइट्स दिए जिसे हम दोबारा से शेयर करना चाहते हैं। तो रिश्ता टीवी का कल आया है आपके लिए कॉफी विद करण एपिसोड 2 के कुछ खास हाइलाइट्स। जैसे ही शो शुरू हुआ, रणवीर और अक्षय दोनों काउच पर इस तरह चढ़ के बैठे जैसे मानो वो भूल ही गए थे कि वो इंडस्ट्री के स्टार्स हैं, एंड करण कंसीडर देम टू बी 14-year-old kids। अक्षय ने कहा कि रणवीर बिल्कुल उनके जैसे हैं। रणवीर की कुछ दबी इच्छाओं का भी हमें इस शो में पता चला, जब करण ने रणवीर से पूछा कि वो कौन से खान के साथ काम करना चाहेंगे, आमिर खान, सलमान खान या शाहरुख खान। तो उन्होंने बड़े ही अलग अंदाज में जवाब दिया कि वो एक खान और ऐड करना चाहेंगे, जो होंगे तैमूर अली खान। करण इस कास्ट की स्टोरी कुछ इस तरह से तैयार करे कि तैमूर रणवीर के बेटे का रोल निभाए और उनके बुढ़ापे का सहारा बने। रणवीर की एक और इच्छा का पता चला जब करण ने उनसे रैपिड फायर क्वेश्चन में पूछा कि वो आलिया और दीपिका में से किसके साथ स्क्रीन शेयर करना चाहेंगे। तो रणवीर ने बोला कि वो दोनों को एक ही मूवी में कास्ट करे और कुछ कुछ होता है का रीमेक बनाए और रणबीर कपूर को सलमान खान का रोल दे। अक्षय कुमार ने कहा कि रणवीर सिंह राउडी राठौड़ के रीमेक के लिए बेस्ट एक्टर हैं। हमें यहाँ पर रणदीप यानी रणवीर और दीपिका के प्यार की भी कुछ झलक दिखी। रणवीर ने दीपिका को एक हमिंग बर्ड कहा और उन्हें एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग डेडिकेट किया जिसका नाम है स्वीट गर्ल ऑफ माइन बाय द बैंड गन्स एंड रोजेस। रणवीर शुरू से एक नोटोरियस एक्टर रहे हैं और उनकी काफी दबी इच्छाओं और हैबिट्स का हमें पता चला, जैसे कि उन्हें रोलर कोस्टर से डर लगता है और वो हमेशा डेट्स पे लेट होते हैं। पर इस चैट शो में हमें अक्षय कुमार की भी कुछ बैड हैबिट्स का पता चला, जैसे कि उन्होंने बताया कि उन्हें गेम्स का बहुत शौक है और वो कन्वर्सेशन के बीच में मैच का स्कोर चेक करते रहते हैं, जो कि उनकी वाइफ ट्विंकल खन्ना को बिल्कुल पसंद नहीं है। और तो और उनकी ट्रेनर ने भी ये बताया कि अक्षय कुमार किसी भी हालत में स्वीट्स अवॉइड नहीं कर पाते हैं। तो ये तो थी कॉफी विद करण के सीजन 6 एपिसोड 2 की कुछ ऐसी हाइलाइट जिन्हें सभी ने बहुत इंजॉय किया। अब हम देखते हैं कि अगले संडे कॉफी विद करण पर कौन से गेस्ट आते हैं। पहले एपिसोड के मुताबिक हमें इन दोनों स्टार्स के बीच में ज्यादा केमिस्ट्री देखने को मिली। ऑडियंस ने भी ये ऑब्जर्व किया होगा कि पहले एपिसोड के मुताबिक एपिसोड 2 ज्यादा एंटरटेनिंग था। अब देखते हैं कि एपिसोड 3 में कौन कौन से गेस्ट आते हैं। फॉर ऑल द लेटेस्ट न्यूज ऑफ बॉलीवुड, स्टे कनेक्टेड विद बॉलीवुड कॉकटेल।